हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आज जो है बीएड वर्सेस डीएलएड की सुनवाई 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी, उसको लेकर के एक बड़ी अपडेट जो है सामने आई है। तो हम लोग इसको बताएं, उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट सही तरीके से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि आज जो है सुनवाई होने वाली थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉज लिस्ट में 18 नंबर पर केस था और 13 नंबर कोर्ट में जो है यहाँ पर सुनवाई होने वाली थी। इसके पहले भी जो है आपकी सुनवाई 19 जुलाई को होने वाली थी, तो वहाँ पर जो था दिनेश माहेश्वरी जी कि उस दिन तबीयत खराब होने की वजह से उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई थी। आज उम्मीद थी कि आज जो है सुनवाई हो जाएगी, बहुत सारे छात्र इसको जो है आस लगाए हुए थे, लेकिन एक नया नाटक जो है शुरू हुआ। जैसा आपको पता है तारीख पे तारीख जो वाली चीजें हैं ना, वही चीजें अब जो है यहां पर हो रही हैं। आज भी जब ये बेंच बैठने वाली थी उसके थोड़ी देर पहले यानी तकरीबन 10 और 10:30 बजे के बीच में ये सूचना आती है कि जो है आज भी आप लोगों की जो सुनवाई है वो नहीं हो पाएगी। और जितने भी छात्र थे वो छात्र जो है निराश हुए, पूरे भारत के छात्र निराश हैं क्योंकि ये सुनवाई अब हो जानी चाहिए थी, ये सुनवाई अब लेट नहीं होनी चाहिए थी। तो आज भी जो है ये बेंच नहीं बैठी और कोर्ट नंबर 13 में बीएड डीएलएड के अलावा जितने भी केस थे वो सारे के सारे केस जो हैं उनको आगे की जो है तारीख अभी फिलहाल दी नहीं गई, अभी डेट नहीं बताया गया किस तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन ये बता दिया गया है कि आप लोगों की जो सुनवाई है वो आज नहीं होगी। यानी कि जो एक नया नाटक है वो शुरू हो चुका है। पिछली बार भी सुनवाई नहीं हुई, इस बार भी सुनवाई नहीं हुई, यानी सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी मतलब वो है और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है बार बार जो है इसको डिले किया जा रहा है। क्या दिक्कत है वो तो भगवान ही जाने की क्या दिक्कत है, लेकिन कुल मिलाकर यही है, आप लोगों को अपडेट देना काफ़ी आवश्यक था क्योंकि आप लोग भी सुबह से इंतजार कर रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या चल रहा है। तो यही चल रहा है कि आज आपकी सुनवाई नहीं हुई है, नेक्स्ट डेट जब भी आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो फिलहाल आज इतनी अपडेट थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।